गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। हे गाइस वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग आए हुए हैं जमरगी, जो धर्मजयगढ़ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है, और मेरे साथ है दुर्योधन, और आगे में और कोई पांडव लोग भी हैं जो वो लोग भी हम लोग साथ जा रहे हैं, और उनके साथ कोई देवीय लोग भी हैं, वो देवी भी जा रहे हैं उस ब्लॉग में, ये लोग शामिल होंगे सब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आपको मैं जाकर सीधा झरना में मिलता हूँ। अभी बहुत दूर आगे आ चुके हैं पैदल में, और देख रहे हैं इतनी सारी गर्मी लग रही है गाइस। तो गाइस हम लोग काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद झरने के करीब पहुंच ही चुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लगभग हम लोग को 200 से 300 मीटर बचा हुआ है, तो मिलते हैं फिर उस वाटरफॉल में। बस ये रहा गाइस, सामने में आप लोग को दिख रहा होगा दो झरने, ये तो वहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे। इस जंगल से होते हुए जाना पड़ता है, और ये देखिए पानी भी है, पूरा सूज सब भीग जा रहा है, तो इतने सारे जंगल में कूदते हुए जाना पड़ता है। इस काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग झरने के करीब पहुंच चुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत झरना। ये रहा मेरे पीछे वाटरफॉल, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से ये झरना जो है गिर रहा है, और मेरे साथ ये मेरे दो दोस्त लोग भी हैं यहाँ पर, ये राकेश और दुर्योधन। तो ऊपर और जाते हैं, फिर देखते हैं किस तरह का ऊपर व्यू रहता है, तो ऊपर जाके देखते हैं गाइस। और ये काफ़ी मेहनत करके चढ़ रहे हैं, देखिए एकदम बहुत डेंजर रोड है गाइस। यदि आप चप्पल उप्पल पहन के स्लीपर में आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगा चढ़ने में, क्योंकि पूरा ये देखिए किस तरह से फिसलन है, ये देखिए पूरा फिसलन है, और मैं इनको हाथ दूंगा। रुका है, मेरे को खड़ा ठीक से नहीं हुआ, देखो मैं खुद एक फिसलन की जगह पर खड़ा हूँ। यहाँ से ये देखिए ये झरना सामने, जस्ट झरना है इस ऊपर में, तो आ जाओ। हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास, और ये देखिए काफी सारे लोग हैं, और इसके साथ ये वाटरफॉल देख रहे हैं आप लोग ऊपर में। तो गाइस हम लोग वाटरफॉल से निकल रहे हैं, आपको दिखा दूं किस टाइप से जगह में जाना पड़ता है। तो गाइस ये जो वाटरफॉल था उसमें हम लोग पूरी तरह से मस्ती कर चुके हैं, और यहाँ से निकल रहे हैं सीधा अपने बाइक के पास, तो सभी को नीचे जा रहे हैं, देखिए वो देखे वहाँ से सब निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और मैं भी इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, तो निकलते हैं फिर पीछे। बहुत ही धासु और बहुत मजेदार वाला वाटरफॉल था, ये देखो जा रहे हैं पूरे टीम, वाटरफॉल लवर पूरे लाइन लगे हैं। आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखो जरूर। आधा टीम यहाँ पे, आधा टीम आगे देख सकते हैं आप लोग। हाँ आगे थोड़ा मैदान पड़ेगा, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। और ये हमारे लीलांबर ब्लॉगर जो ये सब चीज दिखाने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं। यस सर, जी। और
बहुत मजे किया, बहुत ज्यादा नहाए और बहुत ही सबसे ज्यादा नहाने वाले इंसान ये है। ये देखो, समझ रहे हो आप? ये देखो, ऐसे वाटरफॉल पार होना पड़ता है। यहाँ पे देखो, ध्यान से पार करना गाइस, इसमें क्योंकि इतना खतरनाक है ये जगह कि आपको क्या बताऊं। ये देखो, यहाँ पे बिना जूता खोले ऐसे जाना पड़ता है। तो गाइस, ये झरने का जो बगल वाला हिस्सा है इस तरीके से है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये आगे सभी लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, एक आगे वाली ग्रुप, ये वाली और ये के वाली। तो हम लोग इसमें हैं, तो निकलते हैं अभी सीधा बाइक के पास, और बाइक के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां से आप लोग को फिर से बताता हूं कि कहां यहां से जाने वाले हम लोग। तो गाइस, हमारा पूरा टीम यहां पे पहुंच चुका है और हम बाइक के पास पहुंच चुके हैं, अभी निकलेंगे अपन। तो गाइस, जमरगी वाटरफॉल से काफ़ी आगे आने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत पूल मिला है, तो वहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर फोटो शूट करा रहे हैं और इसके बाद अभी निकलेंगे धर्मजगढ़ के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।